Hey guys, so welcome back to my channel again. So हम सब चल दिए हैं अपने ट्रिप पे, मोस्ट अवेटेड ट्रिप. और अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ. हम पांच लोग चल दिए अपने सफ़र की ओर. सो मैं बहुत एक्साइटेड थी. अब हम पहुँच गए हैं हर की पौड़ी हरिद्वार, जहाँ सारे पाप धोए जाते हैं. और ये मैं हूँ आई नो, मैं थोड़ी स्लीपी लग रही हूँ. होता है भाई, यहाँ पे हरिद्वार आए, पहले हम हरिद्वार में स्नान करेंगे, फिर हम अपने स्पॉट बताएंगे कि हम आपको कैसे 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 करके कहाँ जा रहे हैं. कैसे कैसे करके तो बहुत अच्छा बोली. बाकी आप बनी रहिए मेरे साथ. As you can see, we are at Harki Paudi. मुझे करना पड़ रहा है, लेट हो गया मेरा थोड़ा शॉट. चलता है चलता है. So guys, let's start the trip from here. यहाँ पे डुबकी लगाएंगे हम. यहाँ पे मेन आरती होती है, वही जगह है. You can see that. बोलो हर हर महादेव. सो आप तो पता ही लग ही गया होगा कि मैं आपको केदारनाथ जा रही हूँ. और ये रही मेरी लेडीज. सो ये है हरिद्वार. फाइनली आई एम गोइंग. केदारनाथ बाबा का बुलावा आ गया मेरे लिए. और ये रात का वेदर इतना प्यारा हो रहा था. ये चांद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था, कितनी अच्छी रोशनी दे रहा था ये. सो मैंने सोचा क्यों ना इसे कैप्चर किया जाए. तो यहाँ से हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है. पहले होता है गंगा स्नान, कि जो भी हमने पाप किए हैं वो हम अपने घर छोड़ के आएँ और केदारनाथ सच्चे मन से जाएँ. अब हम हर की पौड़ी से निकल के, हरिद्वार से निकल के अपने आगे रूट की तरफ निकल चुके हैं. ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना पूरा उत्तराखंड. ऐसे ही मेरी जाननी बसती है उत्तराखंड में. सो आप आगे देखते रहिए, बनिए रहिए मेरे साथ. ऐसा दिखता है दिन में. सो गाइज, अब हम देवप्रयाग जा रहे हैं. देवप्रयाग जाके हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, बिकॉज हम सोए नहीं हैं. मैं तो कब से नहीं सोई हूँ. और यहाँ के बाद फिर हम अपनी कल जाएंगे, और कल शायद हम सोनप्रयाग में रूम लेंगे. उसके बाद परसों हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मतलब गौरीकुंड जाएंगे हम. सो गाइज, नाउ आई विल शो यू. जो दो रिवर है वो एक साथ जॉइंट हो रही है. एक भागीरथी है आई थिंक, एक अलग नंदा है, जो कि मेरे फ्रेंड ने बताया मुझे. तो मैं आपको दिखाती हूँ वो संगम. तो आप भी मेरे साथ आइए और देखिए. मैं भी आपको अपने साथ घुमाती हूँ. नंदा, अभी तो इसमें बहुत कम पानी है. लास्ट टाइम तो हम उधर नहाए थे, जो हनुमान जी नहीं है. अरे एक तो सुबह 4 बजे नहाए थे हम यहाँ. शेफ ये दिखाकर सुबह हो गई थी. और एक्साइटमेंट तो मेरी यहाँ से बढ़ने लग गई थी, क्योंकि बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे. और मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला इसके पीछे बैठे हैं तेरे महादेव. यू कैन सी हम वहाँ हैं मेरे महादेव. और देखिए कितना ब्यूटीफुल है यार ये. सॉरी मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स ले रही हूँ, बिकॉज नहीं हो पा रहा मुझसे. जितना हो रहा है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. देखो दिस व्यू इज़ वर्थ इट. अभी तक हम ट्रैफिक में फंसे हैं. यू कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक हियर. तो पता नहीं कितने लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए, कितना ट्रैफिक था कि हम लोग गाड़ी में 15 घंटे बैठे बैठे पागल हो गए थे. सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग. और यहाँ से यात्रा स्टार्ट करने से पहले हमें जाना पड़ेगा गौरीकुंड. इसके लिए हमें एक लंबी लाइन में लगना था, जो कि वहाँ से हमें बस मिलती, छोटी छोटी टैक्सी मिलती, और वो हमें लेके जाती गौरीकुंड की तरफ. तो इतनी लंबी लाइन में हम लगे थे. यहाँ पे आ चुके हैं. मेरा चेहरा इतना बुरा लग रहा है क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में बहुत स्ट्रक थे. हम सोनप्रयाग में हैं. हमारे भारी बैग से कोई भी आएगा तो भारी बैग मत लेके आना, जितना हो सके सामान कम लाना. और अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड. गौरीकुंड में हम रेस्ट करेंगे आज का दिन, और कल हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैक. सो तब तक आप मेरे साथ बने रहें. मैं आपको दिखा देती हूँ गौरीकुंड कैसा लगता है. 15 आवर्स गाड़ी में बैठने के बाद मेरा कुछ शूट करने का मन नहीं किया था. नेक्स्ट डे हम लोग जब ट्रैक स्टार्ट किया तो मुझे याद आया कि मेरा व्लॉग भी है. मैं तो नहा के सुबह 2 बजे के करीब उठ के, 4 बजे चढ़ाई स्टार्ट है और शाम के 4 बजे ख़त्म है. मैं तो अपना कपड़े ऑलरेडी पहन के आई हूँ. देखा जाएगा भाई, कपड़े जितने हो सके कम रखना. चढ़ाई नहीं होगी, पिछली स्लिपरी है. सॉरी, बाकी मैं मिलती हूँ आप थोड़ी देर बाद. थोड़ा सा रास्ता चलते ही मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, लेकिन इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ. गाइस, आई रिक्वेस्ट कि आप कपड़े कम लाना. बाकी शिव शंभू का नाम लेके चल जाना. अगर वो लाया है वो जाएगा भी, यहाँ वो लेके भी जाएगा. थोड़ा सामान कम रखना कि जय बोले कि हम भी पहुँचेंगे, हम भी आपको दर्शन कराएंगे. फाइनली वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशन इज़ हियर. इट्स लिटिल बिट अवे इफ आई क्राई, प्लीज डोंट माइंड. आई ज़रूर कैप्चर, बिकॉज मेरी फीलिंग्स आप लोगों को देखना तो बनता ही है ना. तो ये पानी नदी, मुझे नहीं पता है नदी कौन सी, पर ये नदी देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. वहाँ से आ रही है और अभी हमें वहाँ जाना है. ये अलकनंदा है. अरे जा रही है वहाँ पे. गाइस वो देख रहे हो, उसके पीछे है मेरे महादेव. कांट वेट टू सी हिम. व्हाट टाइम बाद
ऐसे मुलाकात होगी, क्योंकि अभी पहली बार ही होगी ऐसी मुलाकात उनसे, तो वेट करना। सो यहाँ पे हमारा पहला स्पॉट था जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। फर्स्ट करने के बाद हम निकल पड़े अपनी चढ़ाई की ओर, क्योंकि बहुत टाइम लगना था। पूरा रास्ता इतना खूबसूरत था कि आंखें हट ही नहीं रही थी, मैं सब कुछ कैप्चर किए ही जा रही थी कि मैं कभी ना भूल पाऊँ ये ट्रिप। और मैं इतनी इमोशनल भी थी और ठंड भी थी, सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था, कांट इमेजिन कि मैं सच में केदारनाथ जा रही हूँ। और मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट भी हो गया था। यू कैन सी और ओले की बारिश हुई है यहाँ पे खूब सूख गया मेरा। इस टाइम पे मंदिर की मुझे पहली झलक दिख चुकी थी और मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, मैं इतनी इमोशनल कि मैं सारे दर्द भूल चुकी थी। 8 घंटे लगे थे हमें ट्रैक चढ़ते चढ़ते, लेकिन हालत इतनी टाइट हो गई थी, बीच में मुझे चक्कर भी आए थे, लेकिन बारिश धूप ऐसा ही माहौल हो रहा था। यहाँ से सबकी सांसें बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे पहले बाबा के दर्शन हुए मुझे और मैं बहुत इमोशनल थी उस टाइम पे। और आप भी मेरे साथ सब कहिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। होटल्स के प्राइस बहुत ओवररेटेड थे, तो हमने सोचा कि अपना टेंट लिया जाए वहाँ पे। 500 पर पर्सन हमने टेंट लिया और देखिए ज़रा कितना खूबसूरत नज़ारा था, सब दुख दर्द भूल चुकी थी मैं यहाँ पे जा करके। मिरेकल एग्जिस्ट करते हैं गाइस, मैं आपको सच बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ, मैं बिल्कुल भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। जो मैंने आज आरती देखी अंदर से भोले बाबा के टीका, उसका प्रतीक है। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। जय भोलेनाथ।